हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रेय और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर ये दो ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो टेक्स्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती है, सबसे बढ़िया मैसेजिंग एप्लीकेशन है और हर किसी के फ़ोन पर ये दो एप्लीकेशन आपको मिल जाएंगी और कहीं ना कहीं सभी लोगों ने इन दोनों ही एप्लीकेशंस का इस्तेमाल भी किया है। अब जो लोग इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल जो कि फेसबुक मैसेंजर है वो अभी भी कर रहे हैं, तो मैं लेके आया हूँ उनके लिए एक अल्टरनेटिव एप्लीकेशन जो फेसबुक मैसेंजर से बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, जो कि एक खुद एक मैसेंजर एप्लीकेशन है लेकिन जिसका कलर और फीचर्स बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड हैं और बहुत ही ज़रूरी हैं। तो ये आज का वीडियो जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ना केवल ये कलर में डिफरेंट है बल्कि ये जो फीचर्स आपको देता है उससे आपके फ़ोन के काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होती हैं। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करता है वो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा और ये वाला फेसबुक मैसेंजर आपको भी उतना ही पसंद आएगा जितना मुझको आया था। तो चलिए अब सीधे वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आओ कुछ तूफानी करते हैं। हेलो फ्रेंड, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और उस घंटे को भी दबा दो, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को इस 3D पिंक मैसेंजर के फीचर्स के बारे में बताऊंगा और साथ ही साथ इसके क्या एडवांटेज हैं ये भी बताता चलूंगा। वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस एप्लीकेशन को कहां से डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने से पहले क्या क्या सेटिंग्स अपने स्मार्टफोन पर करनी है। तो चलिए, एप्लीकेशन इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद इसका आइकन जो है वो पिंक कलर का है। एप्लीकेशन को ऑन करते हैं। एप्लीकेशन ऑन होते ही आपको दो कलर का कॉम्बिनेशन दिखेगा जो कि है पिंक का और ब्लैक का। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये लड़कियों वाला मैसेंजर है क्योंकि इसका जो कलर है वो कहीं से भी लड़कियों वाला नज़र नहीं आता है। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी होम स्क्रीन की, तो जिसके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ीचर जो हैं वो सब कुछ होम स्क्रीन पर ही हैं। अब मैं देखता हूँ कि आप लोगों को इसमें कितने फ़ीचर पहले से ही नज़र आ गए हैं, तो वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा कि मुझे ये फ़ीचर पहले ही दिख गए थे। अब बात करते हैं इस कलर के एडवांटेज की, तो इस कलर का एडवांटेज ये है कि आपकी आंखों पर पड़ने वाला जो इफ़ेक्ट है रात के टाइम अगर चैट करते हैं आप तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसका कलर इतना डार्क है कि ना तो आपकी आइज़ पेन होगी ना ही आपका हेडेक होगा। तो एक ही अच्छा ऑप्शन रहेगा क्योंकि ये कलर जो है वो डार्क है। अब बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन में आपको एक्स्ट्रा फीचर क्या मिले हैं। तो एक्स्ट्रा फीचर है क्लॉक, म्यूज़िक प्लेयर और फ्लैश लाइट का। तो यहाँ पर आप लेफ़्ट साइड पर एक सर्कल देख रहे होंगे चैट के ऊपर, तो वो एक क्लॉक है जो आपको ये पता चलेगा कि आप लोग क्या क्या टाइम हो चुका है और कब से चैट कर रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है हम चैट करते ही रहते हैं और हमें टाइम का पता नहीं चलता, तो अब आपके साइड पर क्लॉक बनी रहेगी जहाँ पर आपको वक्त का पता चलता रहेगा। उसके राइट साइड पे भी एक सर्कल बना है जो कि है फ्लैश लाइट का सर्कल। रात के समय चैटिंग करते वक्त अक्सर ऐसा होता है हम लोग पानी पीने के लिए उठते हैं या फिर लीड ढूंढने के लिए उठते हैं, तो यहाँ पर आप फ्लैश लाइट का इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग वो मैसेंजर में ही फ्लैश लाइट का भी ऑप्शन दिया है। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को सेंटर पर एक म्यूज़िक प्लेयर भी मिल जाता है जो कि इनबिल्ट है इसी एप्लीकेशन पे। मतलब कि अगर आप लोग किसी से चैट कर रहे हो और वो बंदा आपका रिप्लाई नहीं दे रहा है तो आप लोग मस्त म्यूज़िक का भी इस्तेमाल कर सकते हो और गाने वगैरह यहीं से सुन सकते हो। और एक स्क्रॉलर भी दिया है जहां पर आपको बटन प्रेस करके वॉल्यूम को कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप लोग यहीं से स्वाइप करके ही वॉल्यूम को कम और ज़्यादा कर सकते हो। इतना ही नहीं, और उसी के म्यूज़िक प्लेयर के जस्ट ऊपर आप लोगों को यहाँ पर आपका डेटा की स्पीड भी दिखाता रहेगा कि क्या स्पीड आ रही है इस टाइम, और डेट वगैरह सब कुछ यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन पर देखने को मिल जाता है। उसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू अब आप लोगों को यहाँ पर दिखा देते हैं, जो कि पहले से इसमें बात है जो कि एक ऑफिशियल मैसेंजर में होती है वो भी है इसमें। उसके बाद जो चीज़ स्टोरेज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो इन्होंने सॉल्व कर दी है। इसमें आप लोगों को फेसबुक और यूट्यूब भी मिल जाता है जो कि इसी में इनबिल्ट है। एक स्वाइप करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर फेसबुक मिल जाएगा, जैसा कि ऊपर यहाँ पर टैब बने हुए हैं, तो ये फेसबुक का है। तो अब आप लोगों को, पहले क्या होता था कि अगर आपको फेसबुक रखना है तो मैसेंजर भी रखना है, तो ऐसे में दो दो अलग एप्लीकेशन हो जाती थी और दोनों ही बहुत ही ज़्यादा MB की हैं और ये एप्लीकेशन आपको सिर्फ 6 MB की मिलती है, तो आप लोगों का स्टोरेज बचा रहेगा। उसके बाद आप लोग एक और स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पर YouTube भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि ये सब एप्लीकेशन ऐसी हैं जो हमें सोशल मीडिया से जोड़े रखती हैं और ये सभी एप्लीकेशन हमारे फ़ोन पे मिलती भी हैं। तो ये बढ़िया बात है कि आपको ये सब कुछ इस 6 MB की मैसेंजर एप्लीकेशन में मिल जा रहा है। खासकर फेसबुक तो बहुत ही ज़रूरी है, तो फेसबुक यहाँ पर आपको इसमें मिल जा रहा है क्योंकि क्या होता है हमको फेसबुक का इस्तेमाल करना है तो हमें मैसेंजर भी चाहिए, तो दोनों ही एप्लीकेशन का स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद ये जो डेटा स्टोर करते हैं उससे भी हमारा जो स्टोरेज है वो काफ़ी जल्दी भर जाता है। तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपको ये मैसेंजर कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है,
तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि ये मैसेंजर आपको कैसा लगा। ये मॉडिफाइड वर्जन है जो आपको प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगा, तो इसका लिंक जो है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन डाउनलोड करने से पहले आप लोगों को अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखेगा। सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको अननोन सोर्सेस को इनेबल कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं ऑन है, पहले से उसे इनेबल कर लीजिएगा। उसके बाद आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद आप लोग जो लिंक दिया है वो ये वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ से ये डाउनलोड हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज लाता रहता हूँ। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर। वायरल ना होता मैं, मंगा नहीं लेना बनता है, बिना बात मरना बात बढ़ जाए फटाफट सरा सा। चार दिन वाला सिम मुझे कोई शौक नहीं, ये है फॉप है स्टाइल मेरा महंगा, ऊपर से मुझे कोई लेबल का रूप, मेरे गाने सारे आते मेरे सड़क से, तू शाना तो